तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर HTML कोर्स चल रहा है। आज है हमारा डे 18 के अंदर हम लोग सीखने वाले NavTech के बारे में। NavTech क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं HTML के अंदर, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए खोल लेते हैं SPC के कोड एडिटर को, और यहाँ पे हम लोग HTML की बॉयलर प्लेट ओपन किए हुए हैं और बॉडी टैग के अंदर आज हम लोग कोडिंग करने वाले हैं। आज जो टैग है हमारा NavTech बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग में से ये एक टैग है, और जितने भी टैग्स मैं बताऊँगा HTML कोर्स के अंदर सब इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले NavTech को लिखते कैसे हैं, तो NavTech को इस तरीके लिखते हैं NaV, इस तरीके ओपन करते हैं टैग को और क्लोज भी बैक स्लैश लगाकर NaV लिखकर क्लोज कर देते हैं। अब ये होता कैसे है, पहले हम लोग यहाँ पे दूसरे एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते थे, डिव टैग के अंदर लिखते थे तब नेविगेशन हम लोग बना पाते थे, पर अब हम लोग डायरेक्ट हम लोग को HTML5 के अंदर यहाँ पे एक टैग मिल चुका है जिसको हम लोग NavTech बोलते हैं, इससे डायरेक्ट हम लोग नेविगेशन बना सकते हैं। अब आप कहोगे भाई नेविगेशन वर्ड जो यूज़ कर रहे हो ये क्या होता है, मुझे तो मालूम नहीं है। तो मैं आपको एक फ़ोटो शो करता हूँ, यहाँ पर आप बहुत सी वेबसाइट पर गए होगे तो इस तरीके का आपको एक पैनल दिखता होगा, इसको बोलते हैं नेविगेशन बार। इसमें आपकी किसी भी वेबसाइट के जितने भी पेज होते हैं वो सारे लिंक कर दिए जाते हैं, मतलब मेंशंस कर दिए जाते हैं। अब आप देखिए जैसे यहाँ पे एक नेविगेशन बार है, तो यहाँ पे होम हो गया, गैलरी हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। तो अगर आप गैलरी पर क्लिक करोगे तो गैलरी चले जाओगे, अबाउट पर क्लिक करोगे तो अबाउट पर चले जाओगे, कॉन्टैक्ट पर क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट पर चले जाओगे। बहुत से लोग इसे मेन्यू बार भी बोलते हैं, कोई गलत नहीं है, पर ये इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में नेविगेशन बार बोलते हैं। इसमें सारे पेज आपके आपस में कनेक्ट होते हैं और आप एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हो क्योंकि ये लिंक किए हुए होते हैं। एक इमेज मैं आपको और शो करता हूँ, ये भी है कि आपका नेविगेशन बार है जहाँ पे सारे पेज आपके लिंक है। इस तरीके के नेविगेशन बार जब हम लोगों को बनाना होता है तो हम लोग यहाँ पे HTML और CSS का यूज़ करके बनाते हैं, जिसमें से HTML में हम लोग यूज़ करते हैं NavTech का, क्योंकि आज से जो हमारा पहले वाला वर्जन था HTML4 में उसमें हम लोग DivTech का यूज़ करते थे। DivTech के अंदर हम लोग क्लास डिजाइन करके और उसको नेविगेशन बनाते थे, पर HTML5 के अंदर हम लोगों को कोई भी ज़्यादा झमेला नहीं करना होता है, बस सिंपली ऐसे NavTech ओपन किया होता है और NavTech ओपन करने के बाद हम लोगों को एंकर टैग से लिंक देनी होती है सभी पेजेस की। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक NavTech ओपन कर लेना होगा इस तरीके से, तो NaV नैव लिखना है इस तरीके, और इसको नीचे आकर क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे बैक स्लैश लगा के मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक। अब इनके बीच में आपको लिस्ट ओपन करनी होगी। कहोगे भाई लिस्ट क्या होता है, तो इसका मतलब आप नए आए हो, अभी आप वीडियो इसको देख रहे हो, इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक है, आपको सही से वीडियो देखनी होगी। इसके पहले मैंने लिस्ट के बारे में पूरा बताया हुआ है कि लिस्ट टैग क्या होता है, लिस्ट कितने प्रकार की होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट दो तरीके की होती हैं, और उसके अंदर हम लोग कैसे किसी चीज़ को लिखते हैं, तो वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, वो इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी मैं थंबनेल आपके सामने शो कर रहा हूँ, तो लिस्ट टैग वाली अगर आपने वीडियो देख ली तो अब आपको यहाँ पर हर चीज़ समझ में आएगी। अब आपको यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट ओपन करनी होगी, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और UL के अंदर हम लोग ओपन कर लिए हैं LI मतलब लिस्ट। अब इसके बीच में हम लोग को देना है एंकर टैग। आप कहोगे भाई एंकर टैग क्या होता है, तो फिर मैं यही कहूँगा कि आपने लग रहा कोर्स को सही से वॉच नहीं किया है। मैंने एंकर टैग के ऊपर भी वीडियो बनाई है जहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी हम लोग वेबसाइट के अंदर किसी पेज को कनेक्ट करते हैं या फिर किसी दूसरी वेबसाइट को किसी पेज के अंदर कनेक्ट करते हैं या कोई लिंक शेयर करना होता है तब हम लोग एंकर टैग का यूज़ करते हैं। एंकर टैग का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना। तो मैंने यहाँ पे कोई भी यूट्यूबर दोबारा चीज़ों को नहीं समझाता है, पर मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपका रिवीजन होता चले। तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पे बीच में एंकर टैग ओपन करेंगे, तो यहाँ पे लिस्ट टैग के बीच में हम लोग ने एंकर टैग ओपन कर लिया। अब हम लोग हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट का यूज़ करने वाले हैं, तो हाइपर रेफरेंस के एट्रीब्यूट को लिखते हैं HREF, इसको करके निशान लगाएंगे डबल कोटेशन मार्क में। अब आपको यहाँ पे पेज का नाम लिखना है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट के अंदर जैसे ये index.html है, ये होम पेज है, उसके बाद आपने यहाँ पे मान लीजिए गैलरी का एक पेज बना लिया, अबाउट का पेज बना लिया, कॉन्टेंट का बना लिया, तो आपको यहाँ पे वो नाम मेंशन कर देना है। पर मैंने अभी पेज नहीं बनाए हैं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं हैश लगा दूंगा। जब भी कभी आपके पास कोई लिंक देने के लिए ना हो और आप एट्रीब्यूट लगा रहे हो HREF, तो आप हैश लगा सकते हो जिससे वहाँ पर लिंक क्रिएट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे जिस पेज का नाम देना चाहूंगा होम पेज, ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिख दूंगा होम, ओके। आई होप आपको हर चीज यहां पे समझ में आ रही है, कोई चीज आपको ऐसी नहीं है जो यहां पे क्लियर ना हो रही हो, ठीक है। एंकर टैग क्लोज होगा यहां पे इस तरीके से। क्लोज होने के बाद हम लोग
अभी इसको बाद में और चीज़ें दिखाऊंगा मैं, पहले इसको ऐसे ही हम लोगों को कम से कम 4 पेज तो क्रिएट करने होंगे। तो मान लीजिए हमारी वेबसाइट पे 4 से 5 पेज तो निम्न होते ही हैं, तो 4 से 5 लिस्ट हम लोग को बनानी होंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, साथ में समझते हैं। फिर हम लोग ने लिस्ट को ओपन किया है, फिर एंकर टैग ओपन करेंगे। एंकर टैग ओपन करने के बाद HREF एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम लोग फिर से अपने पेज का नाम दे देंगे। फिलहाल मेरे पास पेज नहीं है तो मैं यहाँ पे हैश लिख दे रहा हूँ। अब मान लीजिए आपका यह पेज यहाँ पे गैलरी का पेज है तो आप यहाँ पे गैलरी लिख दो, ठीक है। इतना लिखने के बाद एंकर टैग क्लोज कर दो। एंकर टैग क्लोज करने के बाद यहाँ पे लास्ट में लिंक टैग भी क्लोज करना होगा, सॉरी लिंक नहीं लिस्ट टैग क्लोज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 पेज बन चुके हैं, अभी मैं आपको दिखाऊँ। तो इस तरीके के 2 पेज बन चुके हैं, अब हमें 2 और बना लेने हैं। आप जितने चाहे उतने बना सकते हो, जितने आपकी वेबसाइट के अंदर पेज है उतने आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी होगी। तो मैं यहाँ पे निम्नम तो 4 बनाऊंगा ही। तो यहाँ पे अब यहाँ पे फिर से हम लोग एंकर टैग को ओपन करेंगे, और अगर इतना आपको कुछ भी यहाँ पे समझ ना आया हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको फिर से आपको समझा दूंगा। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटता हूँ, पर आप वीडियोस को ध्यान से देखा करो। मैं जो जितनी पिछली वीडियोस दे के आया हूँ उनको वॉच करो, क्योंकि उन्हीं से ये सारी वीडियोस कनेक्ट होती हैं। HTML हर टैग से कनेक्ट होके बनती है। अगर आपने पिछले टैग्स को ध्यान से पढ़ा नहीं है तो आप ये वाले टैग्स को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हर चीज़ का यूज़ तो आगे पीछे होता ही रहता है। तो आपको हर चीज़ ध्यान से पढ़नी है। मान लीजिए अबाउट अस नाम का मेरा पेज है, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे एंकर को क्लोज करेंगे। सेम प्रोसीजर जो हम लोग ने पहली लाइन में करा है वही फिर से कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिस्ट को क्लोज करेंगे। तो LI हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैक स्लैश लगाएंगे क्योंकि हम लोग क्लोज कर रहे हैं, ठीक। तो हमारे 3 पेज बन चुके हैं, 1 और बना लेंगे कॉन्टेक्ट नाम का। और यहाँ पे फिर हम लोग LI लिस्ट टैग को ओपन किए। अब हम लोगों को फिर एंकर टैग ओपन करना है, HREF करना है। HREF करने के बाद स्क्वायर का निशान लगाना है। अब आप यहाँ पे अपने पेज का नाम दे सकते हो, मान लीजिए आपका कॉन्टेक्ट का है तो contact.html देना है, पर मेरे पास पेज नहीं है तो मैंने हैश लिख दिया इसे। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखेंगे। और अगर आपको लगता है कि भाई आप बार बार हर चीज़ को रिपीट करते हो, ये बात सही नहीं है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। बस मैं आप लोगों की मदद करने के लिए हर चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि आपको कहीं पे भी डाउट हो तो दोबारा क्लियर हो जाए, नहीं तो मैं आपकी पूरी तरीके हेल्प करने के लिए यहाँ पे तत्पर हूँ, ठीक है। एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपके साथ खड़ा है आपकी कोडिंग जब तक सिखाऊंगा। कहीं पे कोई मिस्टेक आएगी मैं खड़ा हूँ, मैं आपको हर चीज़ समझाने के लिए यहाँ पे हूँ। पूरा वेब डेवलपमेंट सिखा दूंगा, उसके बाद मैं पाइथन सी लैंग्वेज सारे कोर्स लाने वाला हूँ, ये मेरा वादा है, ठीक है। इतना मैंने 4 पेज यहाँ पे बना लिए हैं। अब इस तरीके का हमारा यहाँ पे नेविगेशन टैग क्लोज भी हो चुका है और ये सब चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। आप कहोगे भाई यार नेविगेशन बार नहीं बना, क्योंकि आपने तो यहाँ पे नेव टैग का यूज़ भी किया हुआ है इस तरीके से, और नैब बार तो आपने फ़ोटो दिखाई थी वो दूसरी तरीके थी फ़ोटो, तो वो फ़ोटो आप जैसी देख रहे थे वैसा ये नहीं बना। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ यहाँ पे HTML यूज़ किया है अभी, ठीक है। HTML से आपने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर तो बना लिया है, पर आपने अभी CSS यूज़ नहीं किया। जब CSS यूज़ करोगे, CSS होती कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। जब इसका यूज़ करोगे तब इसमें डिज़ाइन आती है। डिज़ाइन कैसे आएगी? जैसे कि आपका होम गैलरी लिखा है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाएगा। स्पेस आने के बाद ये सब लाइन से इस तरीके आएंगे, ठीक है। इस तरीके से लाइन से आएंगे, और लाइन से आने के बाद में इनमें कलर भी चेंज होगा, और ये जो डॉट्स देख रहे हो ये भी गायब हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें CSS की मदद से की जाती है। अभी मैं आपको सिर्फ HTML पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं CSS की दखल अंदाजी नहीं दूंगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आप इतना समझो कि नैव टैग से आपका नेविगेशन बार बनता है और आपने इतना कंप्लीट कर लिया है। आप कहोगे भाई वैसा बनाना है तो कैसा क्या करना होगा, तो अब मेरी बात आपको यहाँ से ध्यान से समझनी है। आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने वैसा भी बना रखा है जैसा मैंने आपको फोटो में दिखाया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे HTML वाले पे जाता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए पूरा आपका नया बार बना हुआ है। इसमें मैंने होम पेज बनाया हुआ है, ये देखिए अबाउट अस पेज बनाया हुआ है, और ये सर्विस प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे मैंने टोटल 5 पेज बनाए हुए हैं, और यहाँ पे आप किसी भी पेज पे क्लिक करते हो तो बाकायदा आपका कलर भी चेंज होता है इस तरीके से। और अगर आप अभी होम पेज पे हो तो आपका होम पेज ब्लू है, अगर आप यहाँ पे होम पेज से अबाउट अस पे चले जाओगे तो अबाउट अस का पेज ब्लू हो जाएगा। ये ब्लू होने का मतलब है कि आप उस पेज के अंदर एंटर हो, ये चीज़ है। और ये पेज आपका रिस्पॉन्सिव भी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं डेस्कटॉप मोड पे भी ओपन कर देता हूँ, तब ये देखिए काफ़ी रिस्पॉन्सिवनेस दिखा रहा है। उतना नहीं है पर यहाँ पे ठीक ठाक काम कर रहा है, ओके।
और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप इसको समझ सकते हो कि क्लिक करने पे इसके कलर भी चेंज हो रहे हैं। तो मैंने बहुत ही प्रोफेशनल नेविगेशन बार बनाया है। कैसे बनाया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी HTML मैंने यूज़ करी है, वो तो मैंने आपको आज समझा दिया है किस तरीके से यहाँ पे यूज़ हुई है। नेव बार ओपन हुआ है, UL टैग ओपन हुआ है और ये लिस्ट यहाँ पे ओपन हुई है। लिस्ट के अंदर एंकर टैग ओपन हुए हैं, एंकर टैग के अंदर मैंने बाकायदा ## लिखा हुआ है और लिस्ट क्लोज करी है, एंकर टैग क्लोज किया है और पेज के नाम देता चला गया हूँ और लास्ट में नेव टैग क्लोज हो गया है। आप कहोगे इतना करने पर तो सिर्फ भाई देखो वही चीज़ आएगी जो मैंने पहले दिखाई थी, पर अब मैंने यहाँ पे CSS भी ऐड की है। CSS वाली फाइल पर जाएंगे तो देखो कितनी सारी CSS मैंने इसमें लिखी है। तो आप जाकर ये इतना डिजाइन होकर आया है, इसका रंग चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ पे CSS थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ तो इसका देखना पहले वाला हाल हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे CSS को जरा सा हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये देखिए पहले वाला हाल हो गया है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। तो जब आप इसके अंदर CSS ऐड कर देते हो, मान लीजिए जैसे ही मैं यहाँ पे CSS ऐड कर दूंगा तो ये देखिए पहले जैसा हो जाएगा। तो इतना कमाल करती है CSS, CSS के अंदर इतना पावर है। अब आपके अंदर भी लग रहा होगा कि भाई मुझे भी ऐसा नेविगेशन बार बनाना है, तो चिंता मत करो, कल मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा इसी के ऊपर, जहाँ पर मैं स्टार्टिंग से आपको नेविगेशन बार बनाकर दिखाऊंगा। उसमें मैंने जो आज आपको HTML सिखाया वो भी सिखाऊंगा, प्लस ये CSS मैंने जो लिखी है ये CSS का कोड भी समझा दूंगा, जिससे आप अपनी वेबसाइट के लिए नेविगेशन बार बना सकते हो प्रोफेशनल सा इस तरीके का और आप उसको ऐड कर सकते हो। तो कल जो वीडियो आएगी नेविगेशन बार पे उसका टाइटल शायद यही होगा कि हाउ टू मेक ए नेविगेशन बार विथ HTML एंड CSS इन हिंदी, इस तरीके का टाइटल होगा। उसको आप वॉच कर लीजिएगा। इसके वॉच करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। जैसे ही आपकी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वहां पर मैं सेम यही कोडिंग करूंगा और ऐसे ही नेविगेशन बार बनाकर दिखाऊंगा। आज ये कोर्स की वीडियो थी तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ आपको index.html के अंदर जितनी कोडिंग की वो मैंने आपको समझाया है। CSS इस वाले में नहीं समझाऊंगा, CSS में डेडिकेटेड जब वीडियो कल लाऊंगा उस पर समझा दूंगा। तो ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।